हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लास्ट वन ईयर के टॉप 500 क्वेश्चन आंसर सीरीज का पार्ट थ्री। इसके पहले हम लोगों ने दो पार्ट डिस्कस कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने 200 जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस किया, और रिमेनिंग 300 क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं और आपको कोई भी सब्जेक्ट नहीं आता, तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में फ्री वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। तो देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि किस महिला निशानेबाज ने 62वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीते। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबके माइंड में आ रहा होगा मनु भाकर का नाम, लेकिन यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या है, ईशा सिंह। यह मात्र 13 साल की, इसके पहले कौन थी, मनु भाकर थी जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेडल जीता था। तो कन्फ्यूज मत करिएगा यह कौन है, ईशा सिंह 13 साल की हैं। 13 से याद करिए, 10 से 13 और 10 से हो गया हमारा, ये तेलंगाना से बिलोंग करती है और 10 मीटर एयर पिस्टल में ये खेलती हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, सही आंसर क्या होगा हमारा, ईशा सिंह। इसके अलावा अगर बात आ गई है निशानेबाजी की, तो दो तीन लोगों का नाम याद रखिएगा। पहला तो हमारा मनु भाकर, ये भी एक अच्छी शूटर है और ये ISSF में और सौरभ चौधरी के साथ इन्होंने युगल में गोल्ड मेडल जीता है। अब सौरभ चौधरी भी कौन है, सौरभ चौधरी भी शूटर है, आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे युवा शूटर है जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ठीक, इसके अलावा शार्दुल बिहान की बात करें तो ये भी शूटर हैं और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं यूपी मेरठ से, दोनों लोग यूपी मेरठ से बिलोंग करते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट शूटर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2018 किसने जीता है। तो अगर आप गेम डाउनलोड करते होंगे, तो अगर जब भी आप चेस के लिए गेम डाउनलोड करते हो तो उसमें एक मैग्नस कार्लसन होता है, तो याद कर लीजिए वहीं से मैग्नस कार्लसन। ठीक है, इन्होंने विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2018 जीता। फिर हमारा कि किस मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत गंगा पहल की शुरुआत किया है, तो इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, तो इसके अगर हम लोग बात करें मंत्री कौन है, तो प्रकाश जावड़ेकर हैं और राज्यों में 22 भाषाओं की सिखाने की एक पहल है। आपको पता है कि हर राज्य की एक अलग अलग भाषा है, तो उनमें सभी भाषाओं को सीखने की एक पहल है जिसका नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश ने दुनिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया जिससे कि पूरी दुनिया को फ्री वाईफाई सेवा दी जाएगी, तो इसका नाम है चीन। ठीक, अब यह कौन सी कंपनी देगी, तो लिंक श्योर नेटवर्क कंपनी इसको देगी, याद रखिएगा कौन देगी, लिंक श्योर नेटवर्क कंपनी। नेक्स्ट है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। इसके अलावा जो पिछले 2-3 दशक की जो सबसे बड़ी दुर्घटना मानी जाती है, वो मानी जाती है भोपाल गैस त्रासदी, वो भी कब हुई थी, 3 दिसंबर को। इसमें कौन सी गैस का स्राव हुआ था, तो मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस का स्राव हुआ था, याद रखेगा। फिर हमारा कि एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो काठमांडू में किया गया है, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, यहाँ पे किया गया है एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन 2018। उसके बाद हमारा कि भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो सुभाष चंद्र गर्ग को भारत के नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर हम लोग बात करते हैं जलवायु परिवर्तन पर COP24 के बारे में, तो मैंने आपको बताया था COP24 कहाँ पे आयोजित किया गया है, पोलैंड के कोटोवाइस में। ठीक, उसके बाद हमारा कि किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके डॉक्टर MG रामचंद्रन के नाम पर रखा गया है, तो चेन्नई रेलवे स्टेशन के नाम पे। और चेन्नई जब क्वेश्चन में आई गया तो पढ़ लीजिए, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है चेन्नई की, यहाँ पे वंदे भारत जो भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है उसका कोच बना है, और इसको सबसे अधिक कोच बना, विश्व में सबसे ज़्यादा कोच निर्माण इकाई के रूप में इसका अवार्ड भी मिला है, किसको, चेन्नई कोच फैक्ट्री को, इसके पहले यह चीन के पास था। फिर हमारा भारत का सबसे लंबा सड़क रेल पुल कौन सा है, तो बोगी बील पुल है, या कौन सी नदी पर है, तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और ये किसको जोड़ता है, तो डिब्रूगढ़। ठीक है, डिब्रूगढ़ से आपको तुरंत याद आना चाहिए, मैंने आपको एक मूवी बताया था फाइंडिंग ब्यूटी इन गार्बेज,
ठीक है, एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है जिसमें डिब्रूगढ़ में लोगों को कचरे से बड़ा प्यार है। मैंने ये डॉक्यूमेंट्री देखा भी, तो उसमें क्या था कि जब किसी दुकान के सामने, जनरल स्टोर के दुकान के सामने जब कचरा फेंका रहता था और उससे पूछा गया कि आपको बुरा नहीं लगता कि आपके दुकान के सामने इतना कचरा रहता, तो बंदा रिप्लाई क्या करता है कि कचरा है, मच्छर लगेंगे तो हमारा मोर्टिन बिकेगा, हमारा ऑल आउट बिकेगा, तो है ना ब्यूटी। तो यही है मूवी फाइंडिंग गार्बेज इन ब्यूटी, कहाँ पर बना है, असम के डिब्रूगढ़ के कचरे पर आधारित है। अच्छा, एक तो हो गया हमारा बोगीबील पुल, इसके अलावा याद कर लीजिए सिग्नेचर ब्रिज। सिग्नेचर ब्रिज कहाँ पे है, यह है दिल्ली में। इसके अलावा है हमारा ब्योरुंग ब्रिज। कौन सा ब्रिज है, ब्योरिंग, ये भी बना था उसी टाइम पे, और ये कहाँ पे है, ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। फिर हमारा डीफो पुल, इसका अनावरण किसने किया था, हमारी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण में, ये भी कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि कौन सा देश नाटो का 30वां सदस्य बना है, तो यह बना है मैसिडोनिया। ठीक है, और नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमारा कि बूरी बूट योलो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है यह त्यौहार। अगला हमारा कि हाल ही में रिलीज हुई पुस्तक लॉ जस्टिस एंड जुडिशियल पावर किसने लिखा है, तो यह लिखा गया है पीएन भगवती के ऊपर। आपको पता है कि जो आरटीआई आया है उसमें इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो ये लिखा है मूलचंद्र शर्मा ने पीएन भगवती के ऊपर। अगला हमारा कि मोदी जी ने कहाँ पर पेट्रोटेक 2019 का उद्घाटन किया, तो ग्रेटर नोएडा में किया है। इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूँ तो नोएडा एक ऐसा शहर बनने वाला है जल्दी ही जो कि जीरो वाटर डिस्चार्ज, मतलब जो डिस्चार्ज पे है ये काम करने वाला, मतलब 100% जो यहाँ का वाटर है उसको रिसाइकल करेगा। अगला हमारा कि जंगली जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए COP 13 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो ये किया जाएगा भारत में, और कब किया जाएगा, तो सन 2020 में किया जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय पाक कला, पाक मतलब पाकिस्तान नहीं, पाक मतलब पकवान। ठीक है, तो भारतीय पाक कला संस्थान किन स्थानों पर स्थापित किया जा रहा है, तो नोएडा और तिरुपति में। यहाँ पे जो व्यंजन होते हैं उनका संरक्षण किया जाएगा, उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा। फिर हमारा रानी हो स्मारक का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है, तो अयोध्या में किया जा रहा है रानी हो स्मारक का निर्माण। फिर हमारा कि हाल ही में स्टेनली का निधन हो गया, वह कौन थे, तो वह एक कॉमिक्स लेखक थे। स्टेनली कौन थे, एक कॉमिक्स लेखक थे। लालू लीला पुस्तक किसने लिखा है, तो लालू लीला लिखा है सुशील मोदी ने। लालू लीला किसने लिखा है, सुशील मोदी ने लिखा है लालू लीला नाम की पुस्तक। पुस्तकों के ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है, तो आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। साल 2019 और 2018 में, 2018 के कुछ ही इंपॉर्टेंट बुक्स, क्योंकि 2018 का मैंने वीडियो ऑलरेडी बना करके आपको पढ़ा दिया, तो कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे उनको मैंने कवर किया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके बुक्स में देख सकते हैं, इसके साथ साथ आप डेली करंट अफेयर वाली प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। चलिए फिर हम लोग बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में रीजनल सेरी कल्चर स्टेशन की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो यह लखनऊ में। सेरी कल्चर क्या है कि रेशम, ठीक है, सेरी कल्चर किससे संबंधित है, रेशम के उत्पादन से, और रेशम के कीड़े कहाँ पर पाले जाते हैं, तो शहतूत के पेड़ पर। ठीक है, याद रखिएगा। फिर हमारा कि हाल ही में कर और बैंकिंग के मामलों पर सूचना के आदान प्रदान के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, तो ब्रुनेई के साथ किया है। अगर हम लोग बात करें ब्रुनेई के, तो इसने समलैंगिकता को अपराध घोषित कर दिया है, आर्टिकल 377, जिसको हमारे यहाँ क्या किया गया, अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया है। ब्रुनेई ने इसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान कर दिया है। उसके बाद है हमारा प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2018 के लिए किसे दिया गया है, तो के शिवा रेड्डी को दिया गया है, या एक तेलुगु कवि हैं। और व्यास सम्मान किसे दिया गया है, तो लीलाधर जगुड़ी को दिया गया है, जितने लोग उतने प्रेम इनकी रचना है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में फिलीपींस में आदि मानव की नई प्रजाति खोजी गई, इसका नाम क्या रखा गया, तो देखिए फिलीपींस का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है लुजोन, और इसी द्वीप, अच्छा ये कितना साल पुराना ये भी देख लीजिए, 50,000 साल पुराना है, और लुजोन द्वीप पर इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, लुजोनेसिस। ठीक है, याद रखिएगा। अब फिलीपींस की बात आ गई है, तो याद रखिए फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। ठीक, और यहाँ पे क्या है, हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। इसके अलावा हमारा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का भी मुख्यालय कहाँ पे है, फिलीपींस के कैपिटल मनीला में। फिर हमारा 100 युद्ध पोतों का निर्माण करने वाला देश का पहला शिपयार्ड कौन सा बना है, तो GRFC बना है, 100 युद्ध पोतों का निर्माण करने वाला देश का पहला शिपयार्ड।
फिर हमारा कि 5G एंड AI के क्षेत्र में शोध के लिए IIT खड़गपुर ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है, तो खड़गपुर हमारा पड़ता है पश्चिम बंगाल ने, और इसने W से याद करिए वेस्ट बंगाल में हमारा खड़गपुर, और W से ये हमारा क्या हो जाएगा विप्रो कंपनी के साथ इसने समझौता किया है। अच्छा, AI बेस BTech प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया है, तो IIT हैदराबाद ने, IIT हैदराबाद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस एक BTech प्रोग्राम स्टार्ट किया है। ठीक, अच्छा इसमें है हमारा 5G, तो मैं आपको बता दूं कि 5G तो नहीं इंडिया में है, लेकिन अभी 4G की अगर हम लोग बात करें तो 4G के मामले में सबसे ज़्यादा रीचिंग कहाँ पे है, धनबाद में है। ठीक, और 5G की बात करें तो 5G लॉन्च करने वाला पहला जिला है चीन का संघाई, और राष्ट्रीय लेवल पर 5G को लॉन्च किया किसने, दक्षिण कोरिया ने, और पहली 5G फ़ोन किसने बनाया है, तो सैमसंग ने बनाया है पहला 5G फ़ोन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में टेस्ला कंपनी ने एशिया की सबसे बड़ी कड़ी ऊर्जा भंडारण प्रणाली कहाँ पे खोला है, तो जापान में खोला है। टेस्ला की बात करें तो यह एक अमेरिकन कंपनी है हमारा, जिसके संस्थापक कौन है, एलन मस्क। फिर हमारा कि विश्व स्वर्ण परिषद की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सोने के भंडारण में भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है, तो याद करिए भारत में एक एक व्यक्ति को सोना प्यारा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा हमारा सही उत्तर। फिर हमारा कि ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, देखिए ऑटिज्म एक मानसिक बीमारी है जो कि मूलतः किसको होती है, बच्चों को होती है, और अगर बच्चों में ऑटिज्म नाम की बीमारी हो जाएगा तो उनका मानसिक विकास रुक जाएगा। यह मनाया जाता है 2 अप्रैल को, और याद रखिएगा कि यह क्या है, एक मानसिक बीमारी है जिसका नाम है ऑटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसरो ने सीमा पर निगरानी करने के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया, तो एमीसैट को लॉन्च किया है किसके द्वारा, तो PSLV, ये तो एक लॉन्च व्हीकल है 45, और इसको इसरो और DRDO ने मिलकर लॉन्च किया है। इसरो के अध्यक्ष कौन है, के सिवान है इसरो के अध्यक्ष। इसके अलावा इसरो ने लगाया है, अभी लॉन्च किया है 2018 में मिशन गगनयान, एंड इसके अलावा युविका प्रोग्राम चलाया है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा कि ICC के CEO का पदभार किसने संभाला है, तो यह संभाला है मनु शाहनी ने। आपसे इसमें पूछ सकता है कि पूर्व में कौन थे, तो पूर्व में थे डेविड रिचर्डसन, ठीक है, और अभी कौन बनेंगे, यहाँ के अध्यक्ष कौन है ICC के, तो शशांक मनोहर हैं, और स्वतंत्र महिला निदेशक जो कि पेप्सिको की CEO थी इंदिरा नुई, और आपको पता है कि अब ये नहीं रही हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। पेप्सिको के CEO कौन बने हैं, रमन लागुआर्ता, और अब ये क्या बन गई हैं, स्वतंत्र महिला निदेशक ICC की। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कि नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन 2019 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो विक्टर एक्सल सेन ने जीता है। फिर हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला 74वां देश कौन सा बना है, तो वोल्विया बना है, जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। थोड़ा सा ISA के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये जो आप ग्लोब देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा है भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री ऊपर है हमारा कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नीचे हमारा मकर रेखा, इन दोनों के बीच रेखाओं के बीच पढ़ते हैं 121 देश है। इनको सौर ऊर्जा के लिए बढ़ावा देने के लिए, सौर ऊर्जा को प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे इस मुहिम को चलाया गया, जिसकी शुरुआत की गई थी 2015 में, ठीक है, किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के द्वारा। ठीक, तो इसमें क्या है कि इनको ही बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था, लेकिन अब इसमें और भी देश सम्मिलित हो रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए कि ISA का मुख्यालय कहाँ पे है, तो गुरुग्राम है ISA का मुख्यालय, ठीक है, एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, गुरुग्राम। और अगर हम लोग ग्रीन पीस इंटरनेशनल की रिपोर्ट की बात करें, तो गुरुग्राम सबसे प्रदूषित शहर है विश्व का, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस मंत्रालय ने आतंकवादी निगरानी समूह स्थापित करने की घोषणा किया है, तो यह किया है गृह मंत्रालय ने। ठीक, अगला हमारा कि गरुड़ प्रकाशन द्वारा प्रकाशित सैफ्रन स्वॉर्ड, इसमें योद्धाओं की कहानी को बताया गया, और बुक वाले में वीडियो मैंने आपको बताया है कि इसके राइटर कौन है, मनोशी सिन्हा रावल हैं। ठीक, देन है हमारा कि इसरो ने अपनी आगंतुक गैलरी कहाँ पर खोली है, तो यह खोला गया है श्रीहरिकोटा में, जहाँ पे लोग बैठ करके जब मिसाइल लॉन्च होती है या फिर रॉकेट लॉन्च होता है तो उसको देख सकते हैं। अगला हमारा, भारतीय सेना ने किस नदी पर सबसे लंबा सस्पेंशन पुल बनाया, तो 260 फीट लंबा पुल बनाया है और 40 दिन में बनाया है, कहाँ पे, सिंधु नदी पर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी पर।
अगला हमारा, किस सोशल मीडिया ने फर्जी अखबारों और अफवाहों से निपटने के लिए टिप लाइन फीचर लॉन्च किया? तो ऐसा किया है व्हाट्सएप ने। आपको पता है व्हाट्सएप के थ्रू कोई भी न्यूज़ जो होता बहुत जल्दी वायरल हो जाता था, चाहे वो फेक न्यूज़ हो या फिर रियल हो। मैक्सिमम क्या होता है कि इसका लोग गलत फ़ायदा उठा के फेक न्यूज़ को वायरल करवा देते थे और लोगों के मन में एक कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती थी, जिसको रोकने के लिए इस तरह के फीचर लॉन्च किया गया। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि एक देश भी ऐसा बन चुका है जिसने फेक न्यूज़ को अपराध की श्रेणी में रख दिया। मतलब अगर आप कोई गलत न्यूज़ फैला तो वो भी क्या है, अपराध है। तो इस देश का नाम क्या है? सिंगापुर है। सिंगापुर ने फेक न्यूज़ को अपराध की श्रेणी में कैटेगराइज कर दिया, और अगर कोई व्यक्ति फेक न्यूज़ फैलाता है तो उसको 10 साल की जेल हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। बिहारी दास गोपाल दास पटेल का निधन हो गया। वो कौन थे? तो वो एक अर्थशास्त्री थे। ठीक, फिर हमारा भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव गाँव का टैग किसे दिया गया है? तो फायेंग गाँव, जो कि कहाँ पर पड़ता है, मणिपुर में। ठीक, उसके बाद है हमारा कि 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की अगर हम लोग बात करें तो मेंबर कंट्रीज देख लीजिए, यहाँ पे ब्राज़ील हो जाएगा, रशिया हो जाएगा, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। सबसे लास्ट में कौन ऐड हुआ है? साउथ अफ्रीका। उसके बाद हमारा हाल ही में किस कंपनी द्वारा निजी फंड से लॉन्च किया गया पहला चंद्र मिशन असफल हुआ? तो स्पेस एक्स, इसके या अमेरिका की कंपनी है। सीईओ कौन है? एलन मस्क। इसके अलावा हमने कहाँ पे पढ़ा था? तो टेस्ला में हमने पढ़ा था एलन मस्क के बारे में। ठीक, फिर हमारा कि किस देश ने ड्रोन से कुछ सामानों की डिलीवरी सर्विस शुरू करने के लिए आधिकारिक मंजूरी दे दिया? तो ऐसा करने वाला है ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि कौन सा देश है जिसने सबसे बड़ी मेडिकल ड्रोन सेवा शुरू किया है, तो इस देश का नाम है घाना। घाना कहाँ का देश है? तो ये अफ्रीकी देश है। अब घाना से याद कर लीजिए, मलावी बगल में ही है। वहाँ पे मलेरिया की पहली वैक्सीन, जिसका नाम है RTS, इसको लॉन्च किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। CRPF के शौर्य दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने CRPF शहीद परिवार की मदद के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो इसका नाम है वीर परिवार। ठीक है, उसके बाद हमारा सुल्तान अजलान शाह कप 2019 किसने जीता? तो साउथ कोरिया ने जीता है, और या किस में दिया जाता है? तो हॉकी का है, हॉकी का एक कप है, सुल्तान अजलान शाह कप। अब साउथ कोरिया आया है तो तुरंत यहाँ पे याद करिए कि 5G नेटवर्क को नेशनल लेवल पे लॉन्च करने वाला कौन है? साउथ कोरिया। इसके अलावा सियोल शांति पुरस्कार भी कहाँ का है? जो नरेंद्र मोदी को मिला, साउथ कोरिया का। फिर हमारा कि भारत के किस राज्य में हाल ही में हैब्रोस्टम प्रजाति की मकड़ी मिली है? तो केरल में यह पाई गई है, और यह किस लिए फेमस है? अलग अलग इसके प्रजनन अंग है, इस वजह से ये काफ़ी फेमस है, और यह मेनली अफ्रीका और यूरेशिया में पाई जाती है। ठीक है, फिर हमारा कि चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में राफेल डील पर तमिल भाषा में लिखी गई किताब का नाम क्या है? तो इसका नाम है नट्टई उल्लुकम राफेल, या किसने लिखा है? एस विजयन ने लिखा है नट्टई उल्लुकम राफेल। लेकिन इसको इलेक्शन होने की वजह से अभी लॉन्च भी नहीं होने दिया गया था बुक को। ठीक है, क्योंकि आचार संहिता चल रही थी इस वजह से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव में सबसे पहले वोट किसने किया था? तो ITBP के जवानों ने। ठीक है, ITBP के जवानों ने सबसे पहले वोट किया था। अच्छा, चुनाव से रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे 4 राज्यों में विधानसभा भी चुनाव हुए थे, जैसे हमारा हो गया सिक्किम, हो गया अरुणाचल प्रदेश, हो गया उड़ीसा, हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के जो CM थे चंद्रबाबू नायडू, इनकी भी सरकार गिर गई है। यहाँ पे कौन बनेंगे? जगन मोहन रेड्डी। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दक्षिणी ध्रुव पर पहला अस्थाई एयरपोर्ट बनाए जाने की घोषणा किस देश ने किया है? तो चीन ने किया है। क्या पहला है? नहीं, इसके पहले भी बहुत से देशों ने बनाया है। चीन बस अपना पहला अस्थाई एयरपोर्ट वहाँ पे बनाने की घोषणा किया है। ठीक है, अगला हमारा, भारत का पहला मानव रहित टैंक कौन सा है? तो इसका नाम है मंत्रा, और किसने बनाया इसको? तो इसको बनाया है DRDO ने, ये निगरानी करेगा सीमा पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि कोयला चोरी रोकने के लिए सैटेलाइट आधारित कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो खान प्रहरी। इसको किसने लॉन्च किया? पीयूष गोयल ने। इसके अलावा आपको मैंने बताया था कि उत्तम नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया था, जिससे कोयले की क्वालिटी को मापा जाएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि हाल ही में अमेरिका की खिलौने बनाने वाली मिलेट कंपनी ने किस भारतीय खिलाड़ी की बार्बी डॉल बनाया है? तो इनका नाम है दीपा कर्माकर। ठीक है, और याद रखिएगा इनका नाम क्या है? दीपा कर्माकर। फिर हमारा मॉन्स्टर वेतन सूचकांक रिपोर्ट
2019 के अनुसार भारत में पुरुषों और महिलाओं के बीच वेतन का अंतर कितना है, तो 19% का, मतलब पुरुषों को 19% ज़्यादा सैलरी मिलती है और सेम वर्क के लिए महिलाओं को 19% कम सैलरी मिलती है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत किया है, तो इसको शुरू किया गया उत्तराखंड की सरकार द्वारा, जहाँ के सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और इसमें किया क्या जाएगा कि हफ्ते में 2 दिन बच्चों को दूध दिया जाएगा, ठीक है। फिर है हमारा कि अनारक्षित टिकट की ऑनलाइन बुकिंग के लिए रेल मंत्रालय ने कौन सी सुविधा शुरू किया है, तो इसका नाम है UTS, अनरिजर्व टिकट सर्विस, ठीक है। राजा राम मोहन राय पुरस्कार, आपको पता है ये पत्रकारिता से ही संबंधित होगा, ठीक है, तो यह किसे दिया गया है, तो एन राम को दिया गया है, ठीक, किसको, एन राम को। अगला हमारा इरावाथम महादेवन का हाल ही में निधन हो गया, ये कौन थे, तो यह थे पुरातत्वविद। फिर हमारा अटल बिहारी के समाधि स्थल का नाम क्या है, तो यह बना है राजघाट में, जिसका नाम क्या है, सदैव अटल। फिर हमारा किस देश के विश्वविद्यालय से महात्मा गांधी की प्रतिमा हटाई गई, तो घाना, घाना याद है, मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि घाना में सबसे बड़ी मेडिकल ड्रोन सेवा भी शुरू की गई थी, ठीक है। उसके बाद हमारा बजट 2019 में सरकार ने गायों के लिए कौन सी योजना शुरू किया, तो राष्ट्रीय कामधेनु योजना शुरू किया गया है गायों के लिए, और इस समय किस गाय की प्रजाति को संरक्षण प्रदान किया गया, तो इसका नाम है ओंगोल, जिसको संरक्षण प्रदान किया है हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने, ठीक है। उसके बाद हमारा मकर विलक्कू उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो केरल में मनाया जाता है, केरल में कहाँ, सबरीमाला मंदिर में। मैंने आपको बताया था सबरीमाला मंदिर को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद थे, यहाँ पे महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाता है मामला और वहाँ पे प्रवेश की अनुमति तो मिल जाती है, लेकिन वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट होती है जो वो इसको अप्लाई करने में असमर्थता दिखाती है, इस वजह से वहाँ की जो महिलाएँ थी वो मिल करके एक 620 किलोमीटर लंबी दीवार बनाती हैं, जिसका नाम क्या रहता है, वनिता मथिल। कहा गया कि इसमें कुल 30 लाख महिलाएँ एक दूसरे का हाथ पकड़ के दीवार बनाती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं, जो उनको अभी भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद हमारा कि किस देश में भारत द्वारा 25 बिस्तर वाला मातृत्व अस्पताल बनाया गया, तो यह बनाया गया सिराहा जिला नेपाल में, इसका नाम क्या है, चंद्र नारायण यादव मेमोरियल मैटरनिटी हॉस्पिटल। अच्छा, नेपाल आ गया, तो नेपाल से कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ लेते हैं। नेपाल ने अभी एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट क्लीनिंग कैंपेन, या 45 डेज का कैंपेन है, जिसमें इनका उद्देश्य क्या है कि ये एवरेस्ट पे जाएंगे और 10,000 किलो कचरा वहाँ से जुटाएंगे। आपको पता है कि जो भी लोग वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा फैला देते हैं, जिसकी वजह से अब माउंट एवरेस्ट को विश्व का सबसे ऊँचा कूड़ेदान भी कहा जाने लगा है। अब ये कूड़ा लेके आएंगे, लेके आने के बाद इसका प्रदर्शन करेंगे 5 जून को काठमांडू में। 5 जून को ही क्यों करेंगे, क्योंकि इसी दिन है हमारा विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। उसके बाद हमारा भारत के वोटर पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो गुरुग्राम में किया गया है। एंड इसके अलावा आपको पता है कि गुरुग्राम हमारा हरियाणा में पड़ता है और ये ISA का मुख्यालय है। इसके अलावा ये विश्व का सबसे प्रदूषित शहर भी है। अच्छा, WHO ने किसको विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बताया, तो कानपुर को, ठीक। अगला हमारा बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, या किसकी आत्मकथा है, तो अरुणिमा सिन्हा, इनके बारे में आप जानते होंगे, एक माउंटेनियर है ये और ये दिव्यांग है, ठीक है। उसके बाद हमारा देश की पहली इंजन रहित हाई स्पीड ट्रेन का नाम क्या है, तो इसका नाम है वंदे भारत, और मैंने आपको बताया था इसके कोच कहाँ पे बने थे, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बने थे, ओके। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में शुरू की गई रामायण एक्सप्रेस किन स्थानों को जोड़ेगी, तो अयोध्या को रामेश्वरम से जोड़ेगी रामायण एक्सप्रेस, जिसकी लॉन्चिंग कहाँ से की गई, तो दिल्ली के सफदरगंज से। फिर हमारा 70वां गणतंत्र दिवस परेड 2019 में प्रस्तुत झांकी में पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है, तो किसान गांधी को, ठीक है। या किसने बनाया था, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली के द्वारा इसको बनाया गया था। अच्छा, इसमें जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे, तो सिरिल रामाफोसा, जो कि राष्ट्रपति हैं अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के। उसके बाद हमारा भारत का डॉग पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया, तो हैदराबाद में बना है भारत का डॉग पार्क। उसके बाद हमारा कि प्लास्टिक पार्क की स्थापना कहाँ पे की जा रही है, तो देवघर में। आपको पता है यहाँ पे कांवरिया जाते हैं जब सावन में, तो प्लास्टिक के बॉटल में ही जो रहता है उसमें जल भर के ले जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट वहाँ पे आता है, तो अब इसको रिसाइकल करके बनाया जाएगा, ठीक है। अलग अलग यूज़फुल चीज़ें बनाई जाएंगी और इसको कहते हैं हम लोग प्लास्टिक पार्क की स्थापना कहाँ पे किया गया है, देवघर झारखंड में, ठीक।
अब झारखंड की कैपिटल है हमारा रांची। आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में ये चलाई गई है विश्व बैंक के हेल्प से तेजस्विनी योजना, जो कि पूर्णतया किशोरियों को समर्पित है। इसके अलावा रांची से आयुष्मान भारत योजना की लॉन्चिंग की गई है, कब? 23 सितंबर को। उसके बाद हमारा कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ पे किया जा रहा है, तो पटना में, और यह एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर होगा। और आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि पंजाब ने डॉल्फिन को अपना जलीय जीव घोषित कर दिया गया। अच्छा, यूपी में डॉल्फिन कहाँ पे पाई जाती हैं, तो सोनभद्र में पाई जाती हैं, और इसको क्या कहते हैं, सुइस कहते हैं। डॉल्फिन को क्या कहते हैं? सुइस। फिर हमारा कि मोदी जी को किस पुरस्कार से नवाजा गया। अब एक दो पुरस्कार तो है नहीं, बहुत हैं, जैसे सियोल शांति पुरस्कार जो कि इनको दिया गया है दूरदर्शी नेतृत्व के लिए साउथ कोरिया के द्वारा, जायद मेडल दिया गया है यूएई के द्वारा, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ठीक, तो ये सभी पुरस्कार इनको दिए गए हैं, याद रखिएगा। फिर हमारा किस देश की पहली महिला मैराथन प्रतियोगिता आयोजित किया, तो इसको करने वाला है सऊदी अरब। पता है आपको कि सऊदी अरब में बहुत सारी चीज़ें बैन थी, लेकिन धीरे धीरे सऊदी अरब डेवलप हो रहा है, और वहाँ पे जैसे पहले फुटबॉल देखना, क्रिकेट देखना, ये सारी चीज़ें भी इवन बैन थी, लेकिन अब वहाँ पे खुद इस तरह की प्रतियोगिता कराई जा रही है। और वहाँ की ही एक नागरिक है जिनका नाम है मिजना अर नाशर, इन्होंने इस प्रतियोगिता को जीता है। अगला क्वेश्चन हमारा, अच्छा सऊदी अरब में एक फिल्म भी रिलीज़ हुई थी, पहली बॉलीवुड फिल्म का नाम था गोल्ड, हॉलीवुड फिल्म का नाम था ब्लैक पैंथर, एंड अगर हम लोग बात करें साउथ की, तो साउथ की फिल्म का नाम था काला। ये मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं जो कि पहली हैं, तो याद रखिएगा। किस देश में पहला हिंदू मंदिर बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो यूएई में। किसकी मंदिर बनेगा, तो अयप्पा स्वामी मूर्ति, इनको वो विष्णु जी कहते हैं, अयप्पा स्वामी मूर्ति को। ठीक है, अच्छा यूएई एक ऐसा स्थान है जहाँ पे महिला और पुरुष का वेतन समान है। इसके अलावा जो यूएई में बुक फेयर होने वाला था, उसमें भारत को चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। अब भारत क्या करेगा कि जो बुक फेयर होगा उसमें सबसे बड़ी गैलरी किसकी होगी, भारत की। इसके अलावा यूएई ने एक गोल्डन कार्ड का योजना शुरू किया, जिसमें क्या किया जाएगा कि जो भी प्रवासी आएंगे यहाँ पे जॉब करने के लिए, उनको अलग से सुविधाएं दी जाएंगी गोल्डन कार्ड के द्वारा। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा एआई शिखर सम्मेलन कहाँ पे होगा, यूएई में। ठीक है, अगला हमारा कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 के तहत किस राज्य को चुना गया है, तो यह चुना गया हरियाणा को, और अगर हम लोग जिले की बात करें तो सतारा जिले को चुना गया है। अगला हमारा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन का नाम बदल करके क्या रखा गया, तो आयुष्मान भारत जन आरोग्य अभियान। उसके बाद हमारा भारत का सबसे विकसित गांव किसे घोषित किया गया, तो कुलीगोद कर्नाटक को। ठीक है, और कार्बन पॉजिटिव, तो फायेंग गांव मणिपुर। अच्छा, मोदी जी ने 3 गांवों को गोद लिया था, इसका भी नाम आपसे पूछ सकता है, जयापुर, ककरैया और नागपुर। फिर हमारा विश्व शतरंज ओलंपियाड में भारत की पहली नेत्रहीन महिला शतरंज खिलाड़ी कौन है, तो वैशाली नरेंद्र सालवाकर। उसके बाद हमारा भारतीय सेना किस दिवस को हाइफा दिवस के रूप में मनाती है, तो हाइफा इसराइल की एक जगह पे है, और हाइफा दिवस 2 जगहों पर मनाया जाता है, इंडिया भी मनाता है और इसराइल भी मनाता है 23 सितंबर को। ये वहाँ की एक जगह है जिसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडियंस के द्वारा आज़ाद कराया गया था। ठीक है, इस वजह से यह मनाया जाता है दोनों जगहों पर। फिर हमारा सिक्किम का पहला हवाई अड्डे का नाम क्या है, तो इसका नाम है पाक्योंग हवाई अड्डा, जो कि बना है उड़े देश के आम नागरिक के तहत, और यह भारत का 100वां हवाई अड्डा है। ठीक, उसके बाद हमारा कि केदारनाथ सिंह का निधन हुआ, वह कौन थे, तो इनको हिंदी साहित्य के लेखक थे, और इनको 2013 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 2018 का किसे मिला है, तो अमिताभ घोष को मिला है 2018 का। उसके बाद हमारा वाई आई एम अ हिंदू, या किसकी रचना है, तो यह रचना है शशि थरूर की। ठीक है, किसकी रचना है, द वाई आई एम अ हिंदू, यह शशि थरूर की। इसके अलावा नेहरू इन्वेंशन ऑफ न्यू इंडिया, ये भी किसकी रचना है, शशि थरूर की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। फिर हमारा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया, तो पिछले 4 साल से पुरस्कार नहीं दिए जा रहे थे। ठीक, तो सबको हम लोग पढ़ेंगे। 2014 में लास्ट टाइम दिया गया था इसरो को, उसके बाद से देखिए 2018 में योही ससाकावो को दिया गया है, जो कि कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए WHO के दूत हैं। इसके अलावा 2017 में एकई अभियान ट्रस्ट को दिया गया है, 2016 में अक्षय पात्र और सुलभ इंटरनेशनल को दिया गया है, 2015 में विवेकानंद केंद्र को दिया गया है, जो कि स्थित है कन्याकुमारी में। फिर हमारा VS नायपाल का निधन हो गया, ये कौन थे, तो यह एक उपन्यासकार थे जिनको 2001 में नोबेल अवार्ड मिला था। फिर हमारा वन्य जीव संरक्षण हेतु भारत का पहला आनुवांशिक बैंक का उद्घाटन कहाँ पे किया जा रहा है, तो हैदराबाद में, और हैदराबाद में हमारा क्या बन रहा था, डॉग पार्क।
फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा है, तो HDFC। ठीक, WHO द्वारा दुनिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत के कितने शहर सम्मिलित हैं, 14 शहर अकेले भारत के हैं। नंबर 1 पे है कानपुर, नंबर 2 पे है फरीदाबाद, नंबर 3 पे है वाराणसी। उसके बाद हम लोग बात करें अगर कि स्वदेशी तोप को भारतीय सेना में सम्मिलित किया गया तो उसका नाम है धनुष होविट्जर। फिर हमारा कि विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 अगस्त को मनाया जाता है जैव ईंधन दिवस। उसके बाद हमारा कि भारत की पहली बायोफ्यूल फ्लाइट कहाँ से कहाँ तक गई है, तो देहरादून से दिल्ली गई है और इस फ्लाइट का नाम क्या था, स्पाइसजेट। उसके बाद हमारा कि कार्बन उत्सर्जन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, तो 4th स्थान है भारत का। नंबर 1 पे है चीन, नंबर 2 पे है अमेरिका, नंबर 3 पे है यूरोपियन यूनियन। उसके बाद हमारा सुरंग के अंदर देश का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो हिमाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश में ही बना है विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन तासीगंग, याद रखिएगा। 2 कैपिटल इसकी शिमला और धर्मशाला। उसके बाद हमारा चुनाव आयोग ने कौन सा ऐप लॉन्च किया, तो सी विजिल, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन के लिए है। इसके अलावा रियल टाइम वोटिंग के लिए कौन सा बनाया गया, वोटर टर्नआउट। उसके बाद हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे बड़ा स्वच्छ शहर किसे चुना गया है, तो विजयवाड़ा को चुना गया है। मध्यम स्तर की बात करें तो मैसूर को, और लघु स्तर की बात करें तो NDMC को। सबसे स्वच्छ राजधानी कौन है, भोपाल है। और ऐसे अगर हमसे पूछे कि सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इंदौर। नेक्स्ट हमारा कि किस देश ने अपना नाम बदल दिया है, तो मैसोडोनिया ने अपना नाम बदल करके क्या रख दिया गया है, उत्तरी मैसोडोनिया गणराज्य। RBI ने किस बैंक को लाइसेंस दिया है भारत में काम करने के लिए, तो बैंक ऑफ चीन को। उसके बाद हमारा कि डोर स्टेप बैंकिंग सेवा शुरू की गई है SBI के द्वारा, जिसमें 70+ के लोगों के लिए जो बैंकिंग सुविधा होगी वो घर जाके दिया जाएगा। इसमें बहुत ही कम चार्ज रखा गया है और यह सुविधा शुरू की गई है वृद्धजनों के लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि ऊर्जा नीति में योगदान के लिए किसे कारनोट पुरस्कार दिया गया है, तो पीयूष गोयल को दिया गया है। ठीक है, 2018 का कारनोट पुरस्कार। फिर हमारा कि हाल ही में जारी उच्च शिक्षण संस्थानों की HRD रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है, तो IIT मद्रास है। IIT मद्रास ने शक्ति नाम का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर भी विकसित किया था, याद रखिएगा। उसके बाद है हमारा कि ओपन सिग्नल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 4G सर्विस उपलब्धता के मामले में कौन सा शहर शीर्ष पर है, पहला तो धनबाद है, दूसरा है रांची, तीसरा है हमारा जम्मू कश्मीर। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन कि हाल ही में चर्चित एपड़ क्या है, तो कुमायूं का एक भित्तीय चित्र है एपड़। ठीक, एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा कि सर्जिकल स्ट्राइक दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 सितंबर को मनाया जाता है सर्जिकल स्ट्राइक दिवस। तो आज के लिए बस यही थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। साथ ही साथ अगर वीडियो पर ऐड आए तो ऐड को स्किप मत किया करें, ऐड को पूरा देखा करिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।